और दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग में होने वाला 25th मैच जो कि होने जा रहा है चेपॉक सुपर गिल्स वर्सेस आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान। यहां पर बात करें दोनों ही टीम की अच्छी फॉर्म में चल रही है, दोनों टीम एक जैसी टीम है। क्यों? क्योंकि एक ने भाई 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, एक ने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, यानी दोनों ही टीम भाई ये मुकाबला जीतना चाहेगी। एक भाई 5वीं विन ले जाएगी और भाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जो आप लोग जानना चाहते हैं भाई ये मुकाबला कौन जीतेगा तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखते रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो कैसे चले बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस ये मुकाबला होने वाला 22 जुलाई फ्राइडे 2022 7:15 SCF क्रिकेट ग्राउंड पे होने वाला है। बात करें यहाँ पर ग्राउंड की पिच की कैसी है भाई। देखो ये पिच है जब शुरुआत थी मतलब नई पिच थी, अब यहाँ पर कुछ मैचेस खेले जा चुके हैं यानी कि दोनों के लिए अच्छी पिच हो चुकी है। बैटिंग एंड बॉलिंग फ्रेंडली हो चुकी है, बैलेंस पिच हो चुकी है। यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, यानी कि एक एवरेज स्कोर देखने के लिए हम लोगों को मिलने वाला है। लगभग 150 तक का हमें स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें दोनों ही टीम की भाई, दो मैंने बताया यहाँ पर चेपॉक सुपर गिल्स 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, यानी कि अच्छा फॉर्म में चल रही है। वहीं बात करें आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान के बारे में, उन्होंने भाई 6 में से 3 मुकाबले जीते जो कि काफी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूंगा। क्योंकि भाई 6 में से 4 और 6 में से 3 नॉट ज्यादा बेकार भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। फिलहाल दोनों ही टीम के ऊपर प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लें भाई। देखो यहाँ पर चेपॉक सुपर गिल्स की टीम में है कौशिक गांधी, नारायण जगदेशन, सोनू यादव, यू शशिदेव, राजगोपाल, सतीश, एस राधाकृष्णा, एस हरीश कुमार, एम सिद्धार्थ, आर अलेक्जेंडर, संदीप वॉरियर, अरुण कुमार। यहाँ पर बात करें यहाँ पर कौशिक गांधी, नारायण, चेपॉक सुपर गिल्स की मतलब बल्लेबाजी के बारे में बात करें कि बल्लेबाजी कैसी। देखो मैं ये कहूँगा सिंपल शब्दों में, बल्लेबाजी बहुत ही तगड़ी है। शुरुआत के जो बंदे आते हैं ना, ओपनर जो उतर के आते हैं, वो इतने रन मार देते हैं कि उन्हें आगे के जो मिडल ऑर्डर फिनिशर वगैरह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है, चेपॉक सुपर गिल्स जो है बैटिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम है, बहुत ही तगड़ी टीम है। बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग भी इनकी बेकार नहीं है। बॉलर्स जो है थोड़े से रन तो देते हैं पर विकेट भी निकाल के देते हैं, टीम को एक अच्छा सपोर्ट करते हैं, जीत के लिए जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि बॉलिंग और बैटिंग जो है भाई बिल्कुल भी खराब नहीं है इस टीम की, भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी है चेपॉक सुपर गिल्स की, भाई बहुत ही अच्छी टीम है यहाँ पर, क्योंकि भाई बैटिंग बहुत तगड़ी है इनकी। बात करें आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान की, 6 में से 3 मुकाबले जीते। बात करें प्लेइंग 11 भाई प्लेयर्स कौन कौन से इनकी टीम में, भाई एस अरविंद, श्रीकांत, अनिरुद्ध, दिनेश कार्तिक, तुषार रहेजा, रवि राजकुमार, सुब्रमण्य आनंद, एम मोहन, मन बफा, अश्विन कृष्ण, एस मोहन प्रशांत, सत्यनारायण एल। अगर जो बात करें इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, देखो भाई एक मुकाबला खेलते हैं एक मुकाबला हारते हैं, एक मुकाबला जीतते हैं एक मुकाबला हारते हैं, वो वाला थोड़ा सा सीन चल रहा है इनका। तो यहाँ पर जो फिलहाल तो बात करें बैटिंग की, भाई बैटिंग क्या चल रही है। देखो बैटिंग में कहूँगा ज़्यादा बेकार तो है नहीं और ना ज़्यादा अच्छी है। बॉलर्स और बैट्समैन को जो एक टक्कर होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर होती है, मतलब बैट्समैन में ये कहूँगा कि ठीक ठाक है, ज़्यादा बेकार नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि देखो इन कंपैरिजन टू अगर मैं चेपॉक सुपर गिल्स के कंपैरिजन में रखूँ तो ज़्यादा अच्छे बैटर्स नहीं है इनके पास, ज़्यादा मतलब दम नहीं है, ज़्यादा रन मारने वाले नहीं है, पर ठीक ठाक है, एंड तक खेलते हैं, अच्छे रन दे करके चले जाते हैं। ओवरऑल जो है बैट्समैन ठीक ठाक है, ज़्यादा बेकार नहीं कहूँगा। बात करें बॉलर्स की, बॉलर्स जो है भाई देखो बॉलर्स के मामले में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि चूक हो रही है, रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, विकेट निकाल देते हैं ज़्यादा सी पर रन बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों है एक जैसी, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बाकी तो टीम बहुत परफेक्ट है। आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान टीम जो है एक अच्छी टीम है, बेकार टीम कहूँगा नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी चेपॉक सुपर गिल्स को हराने में। बाकी जो तो टीम है काफी ज्यादा टक्कर के, हम प्लेइंग 11 के ऊपर कंपैरिजन कर नहीं कर सकते भाई। देखो चेपॉक सुपर गिल्स की जो है बैटिंग ज्यादा अच्छी है तो थोड़ा सा यहां पर एडवांटेज में चल रही है चेपॉक सुपर गिल्स। देखो बात करें लास्ट 5 मुकाबलों की, लास्ट 5 मुकाबले भाई देखो चेपॉक सुपर गिल्स ने भाई 5 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, भाई लगातार 4 मुकाबले जीतते आ रही है। ये वाला मुकाबला भी वो अपने नाम करने की भाई हिम्मत रखती है। बात करें आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान की, 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं पिछले, यानी कि थोड़ी सी हल्की सी फॉर्म जो है यहां पर डाउन चल रही है। बात करें दोनों ही टीम के हेड टू हेड स्टेट की, दोनों ही टीम आपस में भिड़ी है, क्या सीन है। देखो दोनों ही टीम आपस में 5 बार भिड़ी है और 5 में से यहां पर देखो 1-2 बार तो यहां 5 में से 3 बार चेपॉक सुपर गिल्स अपने नाम करके गई है जीत, एक बार आई ड्रीम ने करी है और एक बार जो है नो रिजल्ट रहा है। यानी कि ओवरऑल कहेंगे भाई देखो हेड टू हेड के मामले में, प्लेइंग 11 के मामले में और यहां पर लास्ट 5 मैच के फॉर्म में, मतलब फॉर्म के बारे में बात करें, तीनों में भाई मेरे को चेपॉक सुपर गिल्स थोड़ी थोड़ी सी आगे नजर आ रही है। बात करें फाइनल रिजल्ट की, फाइनल विन परसेंट क्या बनती है, देखो मेरे हिसाब से जो विन परसेंट बनती है वो बनती है ये 60 और 40 60 40। क्यों 60 जो है चेपॉक सुपर गिल्स भाई, क्योंकि भाई इनकी थोड़ी सी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, बैट्समैन जो है तगड़े हैं यहाँ पर, पिछले बार से मतलब अच्छी फॉर्म में चल रही है, काफ़ी सारे लगातार मैच जीतती आ रही है, बॉलिंग भी इनकी अच्छी है। तो यानी कि मैं इसलिए कहूँगा कि 60% जो बनती है भाई चेपॉक सुपर गिल्स की बनती है, 40% बनती है आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान की। देखते हैं भाई ये मुकाबला आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान लेकर के जा पाएगी या हाँ या नहीं। आप लोगों को इस टीम के साथ जाना है अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं तो भाई देखो पर्सनली चेपॉक सुपर गिल्स के साथ जाना पसंद करूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।